एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी होई अष्टमी। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं होई अष्टमी की। और आज दिन है संडे और तारीख है 8 और आज है होई अष्टमी, तो इसलिए मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आज मैं लेट नहाई हूँ क्योंकि कुछ खाना नहीं था, कुछ पीना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा देर से नहाएंगे तो थोड़ा देर से क्रेविंग होती है ना पानी की और इन सब चीज़ों की, खाने की। तो बस इसलिए अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा उसी तरह करती हूँ जैसे कि सेम मैंने करवा चौथ में की थी, उसी तरह से। बस होई माता की कहानी पढ़ी जाती है इसमें, तो वो पढ़ूंगी मैं, कैलेंडर लगाऊंगी, उसी तरह से करवा रखूंगी, सब कुछ उसी तरह से होता है। अच्छा, लास्ट ईयर का जो व्लॉग था होई अष्टमी का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप चाहें तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पूजा की तैयारी करते हैं और जल्दी से कथा करते हैं। और फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है, पूजा करने के बाद आप पानी पी लेते हैं, मतलब पानी पी लिया जाता है। तो मैं जा रही हूँ होई माता की कहानी कथा करने के लिए, पूजा करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। होई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है कि एक स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी से पूछा, मेरे पास समय नहीं, बहुओं से बोलने का समय नहीं है, पड़ोसी से बोलने का मेरे पास समय नहीं है। तो एक अंधी बूढ़ी थी, उसने कहा मैं तुम्हें खीर बना दूंगी। वह तो उसने एक एक चावल दिया और एक चम्मच में एक कहा, हे गणेश भगवान आप भोग लगाओ। तो गणेश भगवान आके भोग लगा लिए। अब वो खीर जब पक गई तो हे बुढ़िया मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो यहाँ हमारी कथा हो चुकी है, चलिए अब आरती करते हैं। आरती हो गई है, अब मैं सबको आरती दे दूंगी, आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो अभी यहाँ पीहू भी आ गई है दर्शन करने के लिए, वो आई है भगवान को माथा टेकने। क्या बोलोगी भगवान जी से? भगवान जी आपके जय 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 जय। पैर छू लो, भगवान जी के पैर छू लो, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है और ये देखिए मच्छर, इतना ज़्यादा मच्छर, बड़ा सा काट लिया है। हाँ, तो मेरी पूजा हो गई है और मैंने पीहू को भी पूजा करा दी है, मतलब सिद्धा पीहू ने भी पढ़ लिया है, मतलब पीहू ने भी दर्शन कर लिया है। और अब मैं, हाँ आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि पूजा वाले दिन हेयर वॉश किया जाता है, और मैंने किया है आज वाओ स्किन साइंस के शैम्पू और कंडीशनर से शैम्पू तो और कंडीशनर यूज़ किया है। तो ये जो शैम्पू है ना, ये ना जेल फॉर्म में है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ और फिर उसके बाद मैं सीधे आपको डायरेक्ट शाम को मिलती हूँ।
ओके, तो अभी आपने देखा मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, तो मैंने सोचा आपको मैं इसके बारे में फुल डिटेल बता देती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ वाल स्किन साइंस का हिमालयन रोज हेयर कंडीशनर और शैम्पू के बारे में। तो ये है कंडीशनर और ये है शैम्पू। तो मैं अभी इसको 1.5-2 महीने से यूज कर रही हूँ। जब मैं अपने यहाँ होम टाउन आई थी तभी मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था और उसके बाद से मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ। अब इसका हाफ प्रोडक्ट बचा है, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखेगा, विजिबल नहीं होगा बट मैं आपको बता रही हूँ ये हाफ हो गया है शैम्पू। देन कंडीशनर भी इतना ऑलमोस्ट इतना खत्म हो चुका है। तो ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, 1.5-2 महीने से, और मुझे ये काफी अच्छा शैम्पू लगा और कंडीशनर लगा। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और एकदम रोज का फ्लेवर आता है, मतलब आपकी फ्रेग्रेंस जो आती है एकदम रोज है, क्योंकि ये रोज हिमालयन रोज से बना हुआ है। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो रोज है। हम इसके पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की पंप बॉटल में आता है, काफी स्टडी बॉटल है और हार्ड इसका प्लास्टिक है। तो अगर आप ट्रैवल में भी ले जाना चाहते हैं तो आप इसको ट्रैवल में कैरी कर सकते हैं। और इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो 300 ml है। दोनों ही बॉटल सेम क्वांटिटी की हैं। और अगर हम शैम्पू के प्राइस की बात करते हैं तो ये है 449 rupees का, 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। और अगर हम कंडीशनर के प्राइस की बात करते हैं तो ये भी 449 rupees का है और 2 साल इसकी भी शेल्फ लाइफ है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है वाओ स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये नो मिनरल ऑयल, नो पैराबिन, नो सिलिकन, नो कलर और नो PEG है। दोनों ही प्रोडक्ट में किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, ये काफी अच्छी बात है। ये हिमालयन बॉर्न वाटर से बनता है। इसको बनाने के लिए 80% ज्यादा लेडीजें अपना सहयोग देती हैं और ये हमारी मेड इन इंडिया कंपनी है। तो है ना कितना अच्छा। और इसकी खुद की एक ऐप है, आप वाओ स्किन साइंस में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खुद की ऐप है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑफर मिलते रहते हैं, थोड़े थोड़े समय में यहाँ पे आती रहती है, सेल्स आती रहती हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छे ऑफर्स रहते हैं बच्चों के, अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या फिर कोई कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो भी आपको वहां पे सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। तो जरूर आप एक बार चेकआउट करिएगा। तो अभी आपने मेरे बाल को देख लिया है कि कितने ज्यादा एकदम सिल्की हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं और काफी अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहती है, धीमी धीमी सी, भीनी सी एकदम फ्रेग्रेंस आती रहती है आपके बालों से, तो आपको भी अच्छा लगता है और आपके आसपास के जो लोग रहते हैं उनको भी ये काफी अच्छा लगता है। तो अभी बात कर लेते हैं, ये है डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड। और अगर शैम्पू की बात करें तो ये आपकी स्कैल्प को सूट करता है, आपके फिजी हेयर को रिपेयर करता है और ये आपकी ड्राई डैमेज और आपके अगर बाल टूट रहे हैं तो उसको ये रोकता है। अगर हम कंडीशनर की बात करें तो ये आपके डैमेज हेयर को डैमेज हेयर होने से बचाता है, शाइनी बनाता है और आपकी रूट को भी मजबूत बनाता है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो pH बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पूड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज के दिन पूड़े बन करके अहोई माता को भोग लगते हैं, इसलिए मैं वही ट्रेडिशन फॉलो करते हुए यहाँ पे पूड़े बना रही हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी मैं तैयार हो गई हूँ शाम की पूजा के लिए और टाइम हो रहा है 5:30, 6:45 हो गए हैं, 5:30 से ज्यादा ही है। और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, ये देखिए पूरी साड़ी, अभी मैं आपको दिखा दूंगी, पूरी तो अभी दिख नहीं रही होगी। और मैंने आज नथ पहनी है जो मैं उस दिन लेकर के आई थी, तो कैसी लग रही है नथ बताइएगा। मैंने बैंगल्स पहने हैं ये वाले, बस मैंने ये नए वाले बैंगल्स डाल लिए हैं और ज्यादा मेकअप बिल्कुल नहीं किया है, हैवी मेकअप नहीं है, सिंपल सा बीबी क्रीम और कॉम्पैक्ट लगाया है बस। और साड़ी का कुछ ये है लुक।
ओके, तो अभी मैं बैठ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। और ये पूजा जो है, आप लोग सोचेंगे मैं क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली ये पूजा जो होती है वो अपने लड़कों के लिए रखा जाता है। तो लेकिन मेरी सासू माँ ने जब मैं प्रेग्नेंट थी तब रखवा दिया था, तो मैंने अपनी मम्मी के कहने पर ही ये व्रत स्टार्ट किया है। और जब स्टार्ट किया है तो मुझे अच्छा लगता है होई माता का व्रत करना। लड़की लड़का तो सब समान होते हैं, मतलब एक बराबर हैं। तो जैसे लड़का लड़के के लिए हम व्रत रखते हैं, वैसे ही मैं अपनी पीहू के लिए व्रत रखती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान मेरी बेटी को अच्छा स्वास्थ्य दें, इसी कामना के साथ मैं हर साल ये व्रत रखती हूँ। और बस अब यहाँ मैं अपनी शाम की पूजा कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने पूजा कर ली है और मैंने फिर से कहानी पढ़ ली है एक बार। मैंने सुबह भी कहानी करी थी और अभी फिर से कर ली है। और अब मैं करने जा रही हूँ आरती। तो बस चलिए आरती करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर, तारों को जल देते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं। जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चाल भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आप देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो सब बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो होई माता की जय। तो मैं नीचे की पूजा करके आ गई हूँ चांद की तारों की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं तारों को आरती करूँगी, जल चढ़ाऊँगी और फिर रोली चढ़ा करके पूरा जल चढ़ाऊँगी। और इधर पीहू भी आ गई है, तो फिर जल चढ़ाने के बाद नीचे जाऊँगी मैं। और फिर उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया है तो फिर नीचे हम लोग खाना खाएँगे। और मैंने पूड़े बनाए हैं, मेरे ससुराल में आज के दिन पूड़े बनते हैं तो पूड़े भी मैंने बनाए हैं। आपने देखा था, मैंने आपको थोड़ी सी रेसिपी ऐसे ही दिखा दी थी, मैंने पूरा अच्छे से नहीं रिकॉर्ड करा था रेसिपी की, क्योंकि मैं पहले भी पूड़ों की रेसिपी डाल चुकी हूँ। और कहीं कहीं पे इसे गुलगुले भी बोलते हैं, मेरे मायके में तो इसको गुलगुला बोलते हैं मगर ससुराल साइड में पूड़े बोलते हैं, तो मैं पूड़े ही बोल रही हूँ। और मैंने यहाँ जल चढ़ा दिया है और मैं यहाँ पे मुस्कान से बातें कर रही थी, वही मेरा रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो इसीलिए। और अभी मैं यहाँ पर दिया जला रही हूँ, आरती भी मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, तो वही मैं आरती कपूर का दिया मैंने जला दिया है।
भैया आपके पैर तो छू लें, पैर छुआओगी? ये देखो आशीर्वाद भी दो। थैंक यू। तुम्हारे लिए मेरा फर्स्ट है ना, आओ। फ्रेंड्स, तारा जो है वो निकल आया था और मैंने अर्घ दे दिया है तारों को और आरती भी कर दी है, पूजा हो गई है और बनाए थे मैंने आज ये पूड़े, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पूड़े बनते हैं, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो अब हम पूड़े खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं पूड़ा खा लेती हूँ और पानी पीऊँगी। तो आज का यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग कि मैंने होई अष्टमी का व्रत कैसे किया, और ना तो थोड़ा सा बोलने में ऐसे दिक्कत होती है ना, तो चलिए अब पूड़ी सब्जी खाई जाती है हमारे यहाँ, तो अब हम मैं खाऊंगी पूड़ी सब्जी, मम्मी ने बना लिया है, साथ में है चटनी। तो चलिए अब अपना फास्ट को खोलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ। अगर मैं दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूंगी तो मैं इसके बाद कंटिन्यू कर दूंगी, वरना ये ब्लॉग काफी बड़ा हो जाएगा। चलिए आप सभी को वंस अगेन हैप्पी होई अष्टमी, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।